व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि रियलमी अपना रियलमी नार्जो 50 फोन जो कि कुछ दिनों में इंडिया मार्केट में लॉन्च करने वाला है, अब फाइनली इसका ऑफिशियल इंडियन लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है। फर्स्ट लुक इसका रिलीव हो चुका है, कुछ स्पेसिफिकेशन फैक्ट वगैरह यहाँ पर लीक हो चुके हैं एंड क्या प्राइस पॉइंट पर इंडिया में दिखने वाला है, ये कंप्लीट डिटेल मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो गाइज, टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो वीडियो कर देना लाइक, आई होप लाइक कर दोगे। गाइज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, नार्जो 50 का लैंडिंग पेज इस बार फ्लिपकार्ट पर नहीं, आपको अमेजोन पर देखने को मिलता है एंड रियलमी स्टोर पर देखने को मिलता है। जिन्हें हम देखते थे नार्जो सीरीज का स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर आते हैं, लेकिन इस बार अमेजोन पर देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के इंडियन लॉन्च डेट के बारे में, तो अमेजोन पर कमिंग सून बता रहा है। एक टीजर यहां पर बाहर आ चुका है एंड ये ऑफिशियल टीजर है, 24 फरवरी को ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो बिल्ड एंड डिजाइन के हम बात करें तो बैक पैनल की रिवील्स हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैक में ट्रिपल रेयर का कैमरा सेटअप है, इसकी ब्रांडिंग है, देखने में टिपिकल रियल वाला डिजाइन देखने को मिल रहा है। बैक अगेन आपको पॉली कार्बेट का रहेगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 50-50 फिलहाल के लिए बताया जा रहा है, 6.6 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। पंचुअल भी देखने को मिलेगा, ये चीज़ कंफर्म है कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन प्ले रहेगा। अब ये आईपीएस रहेगा या एमोलेड रहेगा, ये अभी तक फिलहाल कंफर्म नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो रियलमी 8i वगैरह से एमोलेड देना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं एग्जैक्टली कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, एमोलेड आएगा या आईपीएस आएगा, मुझे बताना नीचे कमेंट में। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ 4G 6GB यहाँ पे अलग अलग आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। SD कार्ड स्लैट भी देखने को मिलेगा, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप्स एंड LPDDR4 8/16 रैम टाइप्स देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अगेन रियलमी का फेवरेट मीडिया टेक हेलियो G96 का नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि 1200 टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है। 4G चिपसेट है, बस यही थोड़ा सा डाउन रेट है, लेकिन परफॉर्मेंस है यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। एंड 2S को 3 लाख के ऊपर का है तो गेमिंग वगैरह अच्छी तरह से यहाँ संभाल लेगा। कैमरा की अगर हम बात करें तो बैक में आपको ट्रिपल लेयर कैमरा का सेटअप मिलने वाला है, 50+2+2 मेगापिक्सल का। एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन फ्री एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिल सकता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड रियलमी UI 3.0 पे ये रन करने वाला है। एंड सेंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग साइड मोडर्स, फिंगरप्रिंट्स, स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर एंड 3 पॉइंट मेट चेक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो अगेन आप 5000mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में। चार्जिंग वगैरह की हम बात करें तो 33W की फास्ट चार्जिंग डिवाइस को सपोर्ट करेगी। तो गाइस, ये थी कुछ पूरे स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल की जो कि लीक हो चुकी थी अपकमिंग नार्जो 50 स्मार्टफोन के रिगार्डिंग। एंड अगर हम बात करें कि ये स्मार्टफोन क्या प्राइस पॉइंट पर ये आ सकता है इंडिया में, तो एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट बताया जा रहा है कि 15,000 से 16,000 तक ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है इंडिया में। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं OnePlus Nord C2 5G स्मार्टफोन के बारे में तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करें। एंड अगर आप जानना चाहते हैं Realme 9 Pro Plus के बारे में तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।